इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारियां शुरू कर दी है। योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि 26 जनवरी को किसान परेड होगी और इसके लिए फाइनल रूट मीडिया को बता दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस को हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, कुछ रूट निश्चित किए गए हैं, उन पर सहमति बन गई है, बैरिकेड हटाए जाएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस के सीपी ने कहा है कि किसानों ने अभी तक हमें कोई लिखित रूट नहीं दिया है, लिखित रूट आएगा उसके बाद ही ये बताया जाएगा कि किसानों को प्रवेश करने दिया जाएगा या नहीं। आपको बता दें कि 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली को लेकर सिंगू बॉर्डर पर किसान नेता और पुलिस के बीच मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद योगेंद्र यादव ने कहा है कि ट्रैक्टर रैली होगी, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अभी तक प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ था उस पर अब सहमति बन गई है। किसान परेड के बारे में बताते हुए यादव ने कहा कि 26 जनवरी के दिन दुनिया में हमारी ग्लोबल ऑडियंस होगी। ट्रैक्टर पर झांकी की ऊंचाई ट्रक से ज्यादा नहीं होगी। ट्रैक्टर रैली का कोई रूट अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि ट्रैक्टर की संख्या की कोई पाबंदी नहीं होगी। जहां जहां किसान बॉर्डर पर बैठे हैं वहां के बैरिकेड खुलेंगे और हम आगे जाएंगे। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा जुड़ रहे हैं दिल्ली से। प्रशांत, कहीं ना कहीं ट्रैक्टर परेड पर अभी तक जो कंफ्यूजन है वो बरकरार है। एक तरफ किसान कहते हैं कि पुलिस की तरफ से उन्हें अनुमति मिल गई है, तो दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि रूट को लेकर फिलहाल अभी दोनों पक्षों में किसी प्रकार की सहमति नहीं बनी है और अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि ट्रैक्टर परेड को लेकर यहाँ पर सहमति बन गई है दोनों के बीच। जी बिल्कुल, देखिए आयुषी जी, लगातार किसान संगठन इसकी मांग कर रहे हैं कि गणतंत्र दिवस पर उन्हें ट्रैक्टर परेड निकालने दी जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस से 4 से 5 दौर की वार्ता उनकी हो गई है। किसान नेताओं का दावा है कि उन्हें परमिशन मिल गई है और दिल्ली पुलिस जल्दी परमिशन जारी कर देगी जी। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि जब किसान नेता लिखित में रूप नहीं देंगे और उस पर सहमति नहीं बनेगी, हम परमिशन जारी नहीं करेंगे। और देखिए, इसमें समस्या यहाँ आ रही है कि किसान नेता चाहते हैं कि आउटर दिल्ली के 100 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पे वो परेड करें, लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये इलाका इतना सुरक्षित नहीं है, पुलिस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप केएमपी पे चले जाइए जो 67 किलोमीटर का फेरा है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, आप वहां पे अपनी परेड कर लीजिए। तो उसपे बातें उलझी हुई है, तो अब देखना ये होगा कि कब दिल्ली पुलिस उसमें परमिशन जारी करती है और कैसे खर्च होता है। जी आयुष, और कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि तमाम दौर की वार्ता भी अब हो चुकी है, लेकिन पुलिस का ये मानना है कि आखिरी दौर की वार्ता फिलहाल अभी होनी है जिस पर तमाम रूटों को लेकर सहमति बनेगी कि किसान कहां से आएंगे और किस तरीके से प्रदर्शन वो करेंगे। तो इसे लेकर क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल रही है कि क्या अब एक और वार्ता दोनों के बीच होने वाली है, क्योंकि गणतंत्र दिवस को अब कम ही दिन बाकी रह गए हैं और इसे लेकर कहीं ना कहीं संशय भी बरकरार है। जी देखिए आयुषी जी, लगातार दिल्ली पुलिस इसको लेकर अलर्ट है। 35 से 40 पैरामिलिट्री की फोर्स की बटालियन अलर्ट मोड पर डाल दी गई है, हाईवे पे फोर्स तैनात कर दी गई है, लेकिन जो रूट है उसको लेकर कोई आम सहमति नहीं बन पा रही है दोनों पक्षों के बीच में। लगातार मांग चल रही है कि एक रूट तय कर दिया जाए, घोषणा कर दी जाए, उसको लेकर एक संशय बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस देख रही है गणतंत्र दिवस को देखते हुए वैसे ही दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, ऐसे में अगर इतनी भारी संख्या में ट्रैक्टर आएंगे, मार्च करेंगे और आउटर दिल्ली पे करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कोई उसमें असामाजिक तत्व शामिल हो जाए, कहीं कोई हिंसा ना भड़क जाए या उस ट्रैक्टर मार्च को तोड़ते हुए इनर दिल्ली में ना घुस जाए। तो काफी चीजें जिसको लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पे है, इसलिए लगातार अपील कर रही है कि ऐसे ना किया जाए, इसकी जगह केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पे ये मार्च निकाला जाए। जी आयुषी, क्या क्या माना जा रहा है प्रशांत कि किस जो कौन कौन से वो रूट्स हैं जहां से जो किसान है वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, कौन कौन से रूट पुलिस के सामने यहां पर रखे गए हैं? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 बॉर्डर जो मुख्य रूप से हैं, सिंधू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, इन 3 से मार्च मुख्य रूप से शुरू होगा। 5 पॉइंट बनाए गए जहां से ट्रैक्टर निकलेंगे और जो ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने उनमें से अधिकतर कल तक पहुंच जाएंगे। काफी ट्रैक्टर पहुंच भी गए हैं, 5,000 ट्रैक्टरों का एक जत्था पहुंचा था सिंधु बॉर्डर पे कल, आज भी ट्रैक्टर आ रहे हैं, तो लगातार ट्रैक्टरों का पहुंचना जारी है। तो उसको लेकर किसान नेताओं ने जो अपनी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है कि कौन नेता कहां से चलेगा, कौन कहां से नहीं,
उसको लेकर उनकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। जी आयुषी। प्रशांत, एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि जिस तरीके से गणतंत्र दिवस परेड का एक समय यहाँ पर होता है, क्या ये इसे लेकर कोई जानकारी मिली है कि जो किसानों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा उसका समय भी सेम होगा जब गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम किया होगा? जी आयुषी, देखिए पहले यही था कि गणतंत्र दिवस की जब परेड होगी उसके पैरेलल ये चलेगी, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही, किसान नेताओं ने प्रस्ताव मान लिया है कि गणतंत्र दिवस की परेड जब समाप्त हो जाएगी राजपथ पे, उसके बाद इस परेड को शुरू किया जाएगा, जिससे कि सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस और सुरक्षा बल को ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, और कोई अगर व्यवधान होता भी है तो सुरक्षा संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो पाए। जी आयुषी। और रूटों को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है प्रशांत, क्योंकि बहुत समस्या यहाँ पर होने वाली है क्योंकि राज्य भर से जो रूट हैं वो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों से जो लोग आते हैं उन्हें भी दिल्ली से होकर गुजरना पड़ता है, तो जिस तरीके से गणतंत्र दिवस को लेकर रूट डाइवर्ट यहाँ पर किए गए हैं और अब किसान मार्च को देखते हुए भी तमाम रूट को डाइवर्ट यहाँ पर किया जाएगा, तो उसके लिए फिलहाल क्या कुछ व्यवस्था की गई है, लोगों को किस प्रकार से यहाँ पर बताया जाएगा कि वाला रूट बंद है, किस प्रकार से उन्हें जानकारी दी जाएगी रूट्स के बारे में? जी देखिए आईसी जी, लगातार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रही है, ड्रोन के जरिए भी कल निगरानी रखी जाएगी, और जो ट्रैफिक डायवर्जन की बात है तो दिल्ली पुलिस का जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो अपने ऑफिशियल ट्विटर के जरिए लगातार ट्वीट करके अपडेट कर रहा है, जो रूट डाइवर्ट होने थे वो कल से कर दिए गए, उसके अलावा कोई नया अपडेशन आ रहा है तो ट्वीट के जरिए लोगों को जानकारी दी जा रही है, सोशल मीडिया पे लगातार दिल्ली का ट्रैफिक पुलिस अलर्ट है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, लुटियन जोन, राजपथ के आसपास के इलाके और जितने वीवीआईपी भवन है, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, पीएम हाउस हो, वाइस प्रेसिडेंट हाउस हो, जितने इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री हैं, सब और जाने वाले रास्ते दिल्ली पुलिस ने, अर्धसैनिक बलों ने अपने कब्जे में ले लिए, वहां रोक लगा दी गई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयर स्पेस बंद करने का फैसला ले लिया है, और उसके अलावा अगर ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस को जरूरत लगेगी तो और रूट भी डाइवर्ट किए जा सकते हैं, जिसकी जानकारी वो अपने ट्विटर अकाउंट पे दे रही लगातार। जी आयुषी। अब प्रशांत, ये भी मानना है कि किसानों की तरफ से फाइनल रूट्स के बारे में अभी तक किसी प्रकार की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई है, तो क्या कुछ लगता है, क्योंकि माना ये जा रहा था कि रविवार का आखिरी दिन होगा जब इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत दोनों पक्षों के बीच में होगी, और क्या कुछ डिसाइड फिलहाल इसे लेकर किया गया है ये सामने रखा जाएगा मीडिया के भी और तमाम लोगों के सामने भी इसे रखा जाएगा, तो क्या कुछ फिलहाल जानकारी और मिल रही है कि कब तक आखिरकार जो रूट्स हैं उन्हें डिसाइड यहां पर कर लिया जाएगा और कब अब आखिरी दौर की वार्ता दोनों के बीच होगी? जी देखिए आईसी जी, आज उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस की ओर से और दूसरा किसान नेताओं की ओर से फाइनल रूट की आज घोषणा कर दी जाएगी, जिससे आमजन उससे परेशान ना हो, अगर रूट पता लग जाता है तो लोग उस हिसाब से अपने आप आने जाने का कार्यक्रम तय कर सकते हैं, किसी को कहीं जाना है तो। और दूसरा बात जो अटकी हुई है वो ये है कि सिंधु बॉर्डर से खरखोंदा टोल तक की अनुमति पुलिस देने को तैयार है, लेकिन किसान नेता मान नहीं रहे, तो अब उसमें बीच का रास्ता निकलता है, या दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस मानती है, किसान नेता मानते, जैसे ही कोई मानेगा उसके बाद ट्रैफिक पुलिस भी अपनी एडवाइजरी तुरंत जारी कर देगी और किसान नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने पूरी जानकारी बता देंगे कि उनका रूट क्या रहेगा। जी आयुष जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए।